फसल खराब होने की वजह से किसान ने की आत्महत्या। सुबह खेत में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला किसान का शव। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में ये बीएड, बीएससी बीएड, बीए एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किसानों की समस्याएं सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं और किसान अपनी समस्याओं को लेकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। सरकार किसानों के लिए अनेकों पॉलिसी ला रही है, लेकिन यह पॉलिसी जमीनी स्तर पर कितनी हकीकत है इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कर्ज में डूबे हुए किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है, कुछ ही दिन पहले जारी हुए CSO द्वारा GDP के आंकड़ों में मात्र कृषि क्षेत्र ही ऐसा रहा जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ रही। मतलब भारत के किसानों ने GDP में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ चढ़कर निभाई। वहीं अजमेर के भगवंतपुरा ग्राम पंचायत के कोटडी गांव में बरसात के बाद किसान की फसल बर्बाद हो गई, जिससे उसने दुखी होकर खेत में खड़े पेड़ पर फंदे पर लटककर फांसी लगा ली। बड़ी दुख की बात यह है कि किसान मजबूरन ऐसा कदम उठा रहे हैं। सरकारों को किसानों की तरफ अब तो रुख करना चाहिए ताकि किसान आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सुबह सुबह अपने खेत पर आया था, जो फसल खराब होने के चलते गम में इसने सुसाइड कर लिया। गांव वाले उसका सीरी आया था, वो मौके पर आया तो जो लटका हुआ मिला फंदे पे, तो उसने 2-4 आदमी को और बुलाया और लाश को उतारा और बोरा पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंच गया है और फसल जो खराब चल रहा है अभी, सभी सरकार सभी से सभी, सभी फसल खराब हो चुकी है। तो किसानों की आह्वान है कि फसल खराब का उचित मुआवजा देकर किसानों को राहत दिलाएं। मैं गांव कोटड़ी निवासी रामरतन सिंह सुखना जाट, मैं भी यहां पे आया था मौके पे। ठीक,